एक बारी खड़े हो वो नाराए तकबीर पूरे जोर नाल बोलो पता लगे आले हदीस नारा मार रहे ने नाराए तकबीर। जिस वक्त जनाबे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दा ना लोग लेंदे सन कैसो किसरा दे शहन शाहां दे तखत कंबदे सन खुद भी वो लरज उठते सन नाराए तकबीर शाने रिसालत मसले के हक अहले हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब मदनी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलीयुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم علماء کرام دے جاندار اور شاندار خطابات अल्हम्दुलिल्लाह तुसी समात फरमा रहे हो। दुआ फरमाओ के माल के कायनात कुरान और सुन्नत दे मुताबिक हक और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। सारे आने आमीन नहीं कही उची आमीन कह दो। मैं गिला पीन नहीं पाना मत आखो गिला वाले गिला पीन ही पा लिया है गिला पीन नहीं पाना इंशाल्लाह गल्ला टू दी पॉइंट मुख्तसर थोड़े जा वक्त दे अंदर बहुत सारा अजीम पैगाम तुहाडे गोश गुजार करना है क्योंकि खारी यासीन बलोच साहब माशाल्लाह करीब तशरीफ ले आ चुके ने और तुहानू पता है कि साढ़े कुरान सुनने वाले नबी पाक दा फरमान सुन वाले मुजाहिद जड़े ने उन्हां नू सारी रात भी बहना पवे ते ओ बैंदे ने इंतजार करदे ने अल्लाह तुहाडा बैठना कबूल फरमाए। उची आमीन कहो। मैं बहुत सारी गहराई दे अंदर नहीं जावांगा बड़िया बेहतरीन और बड़िया क्लियर कट बातां चंद बातां इंशाल्लाह गोश गुजार करनिया ने और इस नीयत ते करनिया ने कि या अल्लाह जिवें अज गिलां वाले सानू कठियां तू कीता है अल्लाह दी तौफीक नाल असी आए हां उलमा भी अल्लाह दी तौफीक नाल आए ने ते सुनन वाले भी बोलो ये अल्लाह दी तौफीक है। पिछले साल मैं तुहाडे कोलों इत्थों तकरीर करके गया रस्ते दे अंदर बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट होया रात एक बजे बड़ी परेशानी आई लेकिन अल्लाह ने बचा लिया और ये जिंदगी है सी ते अल्लाह ने आज तुहाडा दीदार नसीब फरमा दिता है। मैं दुआ करना के अल्लाह जिवें इत्थे इकट्ठिया कीता ही नबी पाक दे हौज़े कौसर ते भी इकट्ठिया कर दे। उची आमीन कहो। मैनू चौधरी परवेज साहब माशाल्लाह बड़े साडे मुखलस भाई ने जिवें हाजी मुहम्मद सैन साहब ठेकेदार और उन्होंने पिसरान उन्होंने बेटे और दीगर साड़ी जमात ए माशाल्लाह गिल्लां वाले दी सारी जमात तुसी दीन दा प्यार दीन दी मुहब्बत दिल दे अंदर रखते हो जिस प्यार नाल तुसी बुलांदे हो माशाल्लाह उसे जौक शौक नाल मैनू ये कहिंदे सन तुसी उत्थे अंदर जाके बवो तुहाडी वारी आएगी ते फिर तुसी इत्थे आया जे। मैं कहने मैनू वेखन दिओ पता नहीं फिर वेखने नसीब होने ने कि नहीं। मैं इन्हों का दीदार कर करके अल्लाह की कसम मेरे दिल के अंदर अहले तौहीद का
नबी पाक दे परवानियां दा, कुरान और सुन्नत दे परवानियां दा, अल्लाह दे फजलो करम नाल ए बचपन तो प्यार है। जदों असी हज्जे बैतुल्ला करदे सां, अल्लाह करीम ने 8 साल माशाअल्लाह हज करन दी सादत नसीब फरमाई। रज रज के उमरे कीते मक्के मदीने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सारे शौक, मेरा एक शौक ये भी सी बचपन तालब इलमी दे दौर दे अंदर कि या अल्लाह आ मस्जिद नबी दी जड़ी अजान है ना, ये अजान मैं इसे तरह कहनी है, बिल्कुल इस आवाज च कहनी है, ते मदीने दियां वड़ियां वड़ियां मस्जिदां जाके कहनी है। अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह ने शौक इना पूरा किया कि मैं मदीने दियां बड़ियां बड़ियां मस्जिदां दे अंदर अजान बड़े शौक नाल कही, और इस नीयत ते कही कि अजान कहन वाले दियां ही गवाहियां जिथे जिथे आवाज जाएगी मुअज्जिन दी, ओ हर चीज ओदी गवाही कियामत दे दिन अल्लाह दी रहमत दे नाल मेरे जैसे गुनाहगार दी अजान दी गवाही मदीने दी सरजमीन देवेगी इंशाअल्लाह। चलो वो भी आखिर ते हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब वेखो ना ऐदे शमा रसालत दे परवाने, चमक उठा मेरी किस्मत का सितारा साकी, जब तूने कहा कि अब मैं हूं तुम्हारा साकी, मेरी किस्मत को कहे दीवाने ये दीवाना, मुझे दीवाना भी कहलाना है गवारा साकी। अल्लाह दी रहमत नाल वेखो हाफज अब्दुल रजाक साहब अल्लाह दा जिक्र बयान कर रहे सन, और बंदे दा ते अल्लाह दा ताल्लुक किवें मजबूत होना चाहिए, इहदे च कोई शक नहीं कि जेड़े बंदे दा अल्लाह नाल ताल्लुक कायम हो गया, अल्लाह करीम फरमाते मेरे बंदिया मेरे नाल एग्रीमेंट कर लिया, मेरे नाल एग्रीमेंट कर लै, मेरे नाल एक वादा मुआहदा कर लै, तू मैनू जमीन ते याद करया कर, मैं तेनू अरशे बरी ते याद करांगा, तू मैनू एक दफा याद करेगा, मेरे बंदिया गिल्लां चक रहण वालिया और गिल्लां वाले दे रहण वालिया मेरे बंदिया, तू मैनू एक दफा याद करेगा, मैं तेनू 10 दफा याद करांगा, और तू मैनू बंदियां विच बह के याद करेगा, मैं आसमान दे नूरी फरिश्तियां विच तेरा जिक्र करांगा। ये ते एग्रीमेंट सी तुहाडा अल्लाह दे दरमियान ते बंदे दे दरमियान, अल्लाह इनू मजबूत कर देवे, उची आमीन कह दियो। ये सबक तुसां भुलना नहीं इंशाअल्लाह, अल्लाह दी रहमत दे नाल अल्लाह दा जिक्र करदियां करदियां दुनिया तो चले जाइए, आखिरी वक्त भी साड़ी जुबान ते जिक्रे इलाही होवे। अगली गल सुनो, मैं जिहड़ा अज नीयत लैके आया, अज जिहड़ा पैगाम मैं देना चाहना, नबी पाक नू अल्लाह दी जात ने खत्मे नबूवत दा ताज पहना के आप नू अल्लाह ने मबूस फरमाया ते किन्ना वाल फरमाया, साडे वाल आखो, साडे वाल नबी पाक किन्ना वाल आए, कोई नबी एक पिंड वाल शहर वाल नबी बन के आया, कोई नबी एक खानदान ते कबीले दा नबी बन के आया। जदों इमामुल अंबिया दी नबूवत दी वारी आई, रब्बुल आलमीन ने हद्दां खत्म कर दितियां, पाबंदियां खत्म कर दितियां, ऐलान की कराया, रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद, जे हुण सौ गए तो फिर कम खराब हो जाना, जे फिर तुसा सौ ही जाना है तो मैं तो तुहानू जगाण आया। चौरी साहब मैनू भाई प्रवेज साहब कह रहे सन हुण बंदे जागने चाहिए ने, ते अल्लाह दी रहमत दे नाल इंशाअल्लाह जिहड़ा मौकफ मैं पेश करना है, इत्थे मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं अल्लाह की रहमत दे नाल, ते तुसी ते फिर अल्लाह दी तुहाडे ते रहमत है, अल्लाह तुहाडी हिफाजत फरमाए, जिउंदे हो ते जागदे हो, क्यों चौरी साहब जिउंदे भी हो ते जागदे भी हो, इधर ध्यान करो मेरे वाल, मैं जिहड़ी बात कहनी है अल्लाह की रहमत नाल दिल बाग बाग हो जाएगा। अज ए कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है इंशाअल्लाह हर बच्चे दे दिल दे अंदर, हर जवान दे दिल दे अंदर, हर बुजुर्ग दे दिल दे अंदर एक अजीब खुशी होएगी, हर मेरिया मावां भैणां बेटियां दे दिल दे अंदर एक खुशी होएगी कि अल्लाह वाकई असी तेरा शुक्र अदा कर सकते, तेरा शुक्र मौला हमेशा गुजारा, तेरा नाम हरदम पुकारा पुकारा,
तू इनाम साढ़े ते कीते हजारा, मैं की दसा गिन गिन के हैं बेशमारा। तू नबिया नू कल के हिदायत सिखाई, ते तबलीग ने कांदे राहों पहुंचाई। नबी जे ना हुंदे खुदा दे दुलारे, सहाबी ना हुंदे चमक दे सितारे। जे इमाम ना हुंदे सारे, असा जंजू पाके मड़ी पूजनी सी, ते पत्थर दी मूरत खड़ी पूजनी सी। अल्लाह ने एहसान साढ़े ते की कीता, रब्बे जुल जलाल वली कराम ने मेरे ते तुआडे ते इस वेले जागो, मजमे वाले हो जागो, पिंडा तो दूर तो करीब आने वाले हो जागो। रब्बे जुल जलाल वली कराम ने अपने पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नू मुखातब करके फरमाया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। भाई सुभान अल्लाह, तुहानू पढ़ांदे गए ते हुण ही नहीं छड्ड दित्ती है दुआ पढ़नी। हुण ते कम से कम अजे ते नवा नवा रोगन होया है, अजे नवी नवी पालिश हुई है, नवा नवा पेंट होया है। हुण ते सुभान अल्लाह तुहाडे तो ऐ छल्लां मारनियां चाहीदियां ने। वेखो जरा कैसी बात है, अल्लाह दी रहमत दे नाल अल्लाह करीम फरमांदे ने, लोगों मैं अपना नबी जहाना दी रहमत बना के भेजे है। केड़ी उम्मत वाल? उस उम्मत वाल जेड़ी उम्मत नू अल्लाह ने सारियां उम्मतां चो आला उम्मत करार दिता। नबी भी सारे नबियां चो आला, आखो अल्हम्दुलिल्लाह। नबी भी सारे नबियां चो, बाजवा साहब हैं के नहीं, नबी भी सारे नबियां चो आला, ते उम्मत भी बोलो, उम्मत भी सारियां उम्मतां चो आला। मैं गल करनी चाहना, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल दे अंदर अपनी उम्मत दा अल्लाह ने इन्ना प्यार पैदा कर दिता है, इन्नी मुहब्बत पैदा कर दिती है कि अल्लाह दे नबी सारी जिंदगी मक्के विच भी अपनी उम्मत दी फिक्र करते रह, मदीने जाके भी अपनी उम्मत दी फिक्र करते रह, बदर विच जाके भी अपनी उम्मत दी फिक्र करते रह। भाई ध्यान मेरे वाल करो, ओहद विच जाके भी अपनी उम्मत दी फिक्र करते रह। लोगो जरा तवज्जो फरमाओ, आमिना दे लाल दुर्रे यतीम रहमतुल आलमीन, जदों मेराज दी रात गए, मेराज अल्लाह करीम ने करवाई। लोगो अल्लाह दी कसम खा के कहना वा, नबी पाक मेराज ते जाके भी अपनी उम्मत दी फिक्र करते रह। उची आखो वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जेड़े बंदे नू सुबह शाम बंदा याद करे, प्यार करे, मुहब्बत करे, तो वह परत के वेखे ही ना, वह किड्डा निकम्मा बंदा है, वह किड्डा बद नसीब बंदा है। ये आम बंदियां दी गल करना, ते जिन्नू हर वक्त नबी याद करे, नबी याद करे, नबी जिदी फिक्र करे। गिल्ला वाले दे रहन वाले हो मुसलमानों, जरा तवज्जो फरमाओ। मैं अर्ज करनी चाहना, इमाम दलील दे नाल बात करनी चाहना। आका अली सलाम फरमांदे ने, कुल्लो उम्मती यदखुलून अल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी सारी उम्मत जन्नत जाएगी, सिर्फ ओ नहीं जानगे जेड़े इनकार करन वाले। की इलावा मन अबा, पुछण वालेयां पुछिया कौन ने इनकार करन वाले बदनसीब। तुहाडी उम्मत जो सारी जन्नत जाएगी, लेकिन जेड़े बदनसीब इनकार करन वाले ने कौन ने? आका फरमांदे ने, मन अता अनी दाखल अल जन्ना, जिन्हें मेरी इतात कीती, फरमा बरदारी कीती, वो जन्नत दाखल जाए दाखल होएगा। ते वे जिड़ा बंदा वमन असानी फगद अबा, जिन्हें मेरी नाफरमानी कीती उन्हें इनकार कीता, वो जहन्नम जाएगा। आज फैसला करना है कि असा फरमा बरदारा विच अपना नाम लिखवाना है कि नाफरमाना विच लिखवाना है। कॉन्फ्रेंस का कोई मुल ते पवे ना, कॉन्फ्रेंस का कोई साढ़े सामने सारा दिन पानी च मदानी पा के ते रिड़कते रहिए ते की निकलना है? और पानी च मदानी पाया कख नहीं निकलना, ते जे दुध विच मदानी पाओगे ते फिर मक्खन निकलना है, फिर अल्लाह की रहमत होएगी। आओ जरा सुनिए,
मैं गुजारिश करनी चाहना असा ओ असी उम्मत जरूर आ सारिया उम्मतां चो अफजल जरूर आ लेकिन मेरे वीर गल ध्यान नाल सुनो कई ऐसे बदनसीब हुंदे ने जेड़े एक पार्टी विच शामिल हुंदे ने ते फिर छड़ जांदे ने पार्टी छड़ जांदे ने ए सियासी पार्टियां छड़दे रहो बदलदे रहो इत्थे तुहाडी दुनिया च फर्क पै सकदा है इत्थे तुहाडी दुनिया दा नुकसान हो सकदा है लेकिन जड़ी दीन दी पार्टी है अल्लाह ने मिन्नू ते तुहानू अपने आखरी नबी दी उम्मत विच पैदा फरमाया असा उम्मत चो निकलना बोलो कई छाला मार मार के बाहर जांदे थे सुनो कौन ने हो दलील नाल बात करांगा नबी पाक अली इस्लाम ने फरमाया मन जरा बल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दा बेदावल जाहिलिया जिन्हें अपने गिरेबान नू चाक कीता अपने चेहरे ते तमांचे बेसबरी बेसबरी दे आलम दे अंदर चेहरे ते तमांचे मारने शुरू कर दिते जिन्हें वावेला कीता जिवें औरतां वैन पांदियां ने कोई फौत हो जाए वैन पांदियां ने वावेला कर दियां ने जगां दे पीरां मिनां दे लाल अली इस्लाम ने फरमाया जिन्हें वावेला कीता जिन्हें गिरेबान चाक कीता जिन्हें दा बेदावल जाहिलिया जाहिलियत दे दौर दी तरह जिन्हें आवाजा निकालिया आका फरमांदे ने फलैसा मिन्ना मैं उस बदबख्त नूं अपनी उम्मत चो ही खारिज कर दिता अपनी उम्मत चो बाहर कर दिता अगली गल सुनो आका फरमांदे ने मन गशा फलैसा मिन्ना जिन्हें धोखा दिता खयानत कीती बेईमानी कीती ओ भी मेरी उम्मत चो दिल करदा जे नबी पाक दी उम्मत चो बाहर निकलन ते जे नबी पाक दे उम्मती बन के रवांगे ते बहारा ही बहारा ने नबी पाक दे उम्मती बन के रवांगे इंशाल्लाह रौनक ही रौनक ने मौत दे वक्त भी कोई फिकर नहीं फिर जे नबी पाक दे गुलाम आ फिर कबर दे अंदर भी इंशाल्लाह कोई डर नहीं फिर मैदाने माशर दे अंदर भी कोई फिकर नहीं जे नबी पाक दे गुलाम आ नबी पाक दे मुहिब्बा नबी पाक दी सुन्नत दे आशिक आ नबी पाक दे परवाने आ जे नबी पाक दी इताअत ते फरमा बरदारी करन वाले आ फिर किसे मंजिल ते कोई डर नहीं क्योंकि नबी पाक अली इस्लाम ने फरमा दिता है मन अतानी दखल अल जन्ना जेड़े मेरे फरमा बरदार ने जन्नत जानगे अल्लाह उना चो फरमाए ए एक गल ए याद कर लो नबी पाक अली सलातो सलाम ने फरमाया ए उम्मत दी गल कर रहे हैं आज अल्लाह करीम ने कुदरती सानू कठिया कर दिता है और जिंदगी दा वाकई कोई पता नहीं कि आइंदा साल कौन इस कॉन्फ्रेंस दे अंदर शिरकत करेगा कौन नहीं आएगा सुनिए जरा सुनिए और ये बात दिल दियां तख्तियां ते इंशाल्लाह नोट करने वाली है नबी पाक ने फरमाया नहनुल आखिरून असी आखर ते आउन वाले हाँ 1,24,000 नबियां दियां उम्मतां गुजर गईयां अंबिया भी दुनिया तो चले गए आखर ते आए हाँ असी आखर ते आए हाँ लेकिन मेरी उम्मत एडी किस्मत वाली एडी नसीब वाली आई मेरी उम्मत सब तो आखर ते ते जन्नत विच जाएगी ते सब तो पहले नंबर ते जाएगी कह दो इंशाल्लाह कैसा ही मंदिर होएगा बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कराते जाएंगे फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे अल्लाह दी रहमत दे नाल इंशाल्लाह पक्का ईमान कर लो अकीदा अपना मजबूत कर लो असा अल्लाह दे फजलो करम दे नाल आखरी उम्मत बन के अपने आखरी नबी दी इताअत करके आखरी नबी दे फरमा बरदार बन के मुसलमानों नोट कर लो ना वाह वेला करना है ना गिरेबान चाक करना है ना जाहिलियत दे दौर दियां आवाजा कढ़नियां ने और ना असा धोखा बददियानती खयानत असा नहीं करनी क्योंकि ये काम कीते ते उम्मत चो आउट हो जावांगे उम्मत चो बाहर हो जावांगे ते जेड़ा नबी दी इताअत तो निकल गया ध्यान करो मेरे वल तवज्जो फरमाओ वमई उशा के किर रसूला मिम्बा दे मा तबैया नला हुल हुदा
وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا जेड़ा नबी दे तरीके नूं छड़ के होर रस्तियां ते जाएगा बद्दयानती करेगा खयानत करेगा। पांच जुमे मुसलसल मैं इस मौजू ते पढ़ाए ने आ साबका मुसलसल पांच खुतबे कादे ते के काम बद्दयानत हो चुकी है, बच्चा बच्चा खयानत कर रहा है, धोखा एक दूसरे नाल कीता जा रहा है, फ्रॉड कीता जा रहा है। जबकि नबी पाक ने ऐलान कर दिता है मन गशा फलैसा मिन्ना, जेड़ा धोखा करेगा बद्दयानती करेगा खयानत करेगा ओनू मैं अपनी उम्मत च रहन देना। असा इंशाअल्लाह ये गल नू नोट करना है, इशारा करके मैं अगे जावांगा। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मैं अपनी उम्मत नू लैके आए असी सब तो आखर ते जदों जन्नत दे दाखले शुरू होणगे अल्लाह करीम सब तो पहले मेरी उम्मत नू जन्नत च दाखिल करेगा इंशाअल्लाह। जाना है आखो इंशाअल्लाह। وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين। रब العالمین बड़े प्यार नाल बड़ी मोहब्बत दे नाल ऐलान फरमा रहे ने मैं अपने नबी दी उम्मत नूं प्यार नाल जन्नत विच दाखिल करांगा, इज्जत नाल जन्नत विच दाखिल करांगा, मैं अपने नबी दे उम्मतियां नूं बड़े वकार नाल जन्नत विच दाखिल करांगा और असा इंशाअल्लाह वकार नाल इज्जत नाल जन्नत जाना है। उची नहीं बोलते पता नहीं की गल है। असा इज्जत ते वकार नाल गिलां वाले वाले हो असा इंशाअल्लाह नबी दे उम्मती बन के आ गल सुन वाली जे जरा तवज्जो फरमाओ। प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम दिल दे अंदर उम्मत दा दर्द किन्ना रखदे ने। जेड़ा बंदा इन्ना दर्द रखे किसे दे बारे ओदे नाल अपनी जान भी कुर्बान बंदा करन वास्ते तैयार हो जांदा है। मैं कहना नबी दे दिल दे अंदर इन्ना दर्द है भी ध्यान मेरे वाल रखो तवज्जो मेरे वाल रखो। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करनी, बलोच साहब जो ही आ जाएंगे मैं इंशाअल्लाह खत्म कर देंगा। जागो जरा जागो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक दिन जबरीले अमीन आउंदे ने। ऐ गल ध्यान नाल सुन वाली रौला नहीं पाना, सुनो जरा। आका अलैहिस्सलाम दे कोल जबरीले अमीन आउंदे ने, हो के चले जांदे ने ते जबरीले अमीन बड़े गमगीन ने, बड़े परेशान ने। नबी पाक पुछदे ने जबरील की गल, तू इन्ना कदी परेशान नजर नहीं आया? ते जबरीले अमीन अर्ज करदे ने, आका मैं हुणे हुणे जहन्नम दे दर्जे वेख के आया, जहन्नम दे दर्जे वेख के आया। जबरील किवें तरतीब है जहन्नम दे अंदर, लोगों की किस तरतीब दे नाल जहन्नम दे अंदर लोगों नूं दाखिल किया गया है? मुसलमानों जरा तवज्जो फरमाओ। जबरील बयान कर रहे ने सब लो सब तो निचले दर्जे दे अंदर, इन्नल मुनाफिकीना फिर दरकिल अस्वले मिनन्नार। जेड़े मुनाफिक ने सब तो निचले दर्जे दे अंदर होंगे। अल्लाह सानू मुनाफिक तो महफूज फरमा लई, मुनाफिक सब तो निचले दर्जे च होंगे। फिर यहूदियां दा जिक्र आया, फिर ईसाइयां दा जिक्र आया, फिर मुशरिकीन दा जिक्र आया। करद्या करद्या एक दर्जा जहन्नम दा बाकी रह गया ते जबरील चुप कर जांदे ने, हिचकचाहट महसूस कर रहे ने, अगे बोल नहीं रहे। ते नबी पाक पुछदे ने, जबरील बोलदा नहीं, ऐ जिहड़ा जहन्नम दा तबका एक रह गया, एक दर्जा रह गया, इहदे विच कौन लोग जाणगे? हदीस तिरमिज़ी शरीफ दे अंदर मौजूद है,
نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جبریل بول کے دس دے اے جہنم دا جڑا طبقہ دے وچ کون جان گے؟ تے جبریل کہندے نے امتا کا، اللہ دے نبی تہاڈی امت اس جہنم دے طبقے وچ جائے گی۔ نبی پاک نے رونا شروع کر دیتا، آقا علیہ السلام دیاں آنکھاں چو زارو کتار آنسو جاری ہو جاندے نے۔ آپ اپنے حجرے دے اندر تشریف لے گئے، نماز پڑھ دے نے، سلام پھیر دے نے، کسے نہ گل بھی نہیں کر دے۔ آج بھی سارا دن گزر گیا، کسے نہ گل کرن تے دل نہیں کیتا۔ لوگو اللہ دے نبی دے دل دے اندر امت دا کنا کو غامے، امت دا کنا کو فکر ہے۔ سارا دن گزر گیا، رات بھی گزر گئی، دو دن گزر گئے، تین دن گزر گئے، کسے نال نہیں بول دے، کسے نال کوئی گل نہیں کر دے۔ صحابہ پریشان ہو جاندے نے، پتہ نہیں کی معاملہ ہو گیا، ساڈے نال ناراض ہو گئے نے، ساڈے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کی معاملہ ہو گیا ہے۔ اپنی جگہ تے پریشان ہو کے حضرت علی المرتضیٰ نال گل کر دے نے، علی نبی دی بیٹی فاطمہ نو بھیج کے پتا کرو، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جان گیاں تے اپنے ابو نال گل کرن گیاں تے نبی پاک گل دی وضاحت کر دیں گے۔ بیٹیاں جدوں آ جاندیاں نے، بندیاں دے دل نرم ہو جاندے نے، بندے اپنے دل دی گل دس دیندے نے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا جاندیاں نے، جا کے اپنے ابو دا دروازہ کھٹکھٹاندیاں نے، نبی پاک دروازہ کھول دیندے نے تے اپنی بیٹی دی اے پیشانی تے بوسا دیندے نے۔ اللہ دے نبی اپنی بیٹیاں دے تو نفرت نہیں کیتی، دنیا والو دنیا والو، زندہ تر گور کر دینے والو، بیٹیاں نال ناانصافی کرنے والو، بیٹیاں تے ظلم تے زیادتیاں کرنے والو، اللہ دے نبی نے بیٹی نال حد درجے دا پیار کیتا ہے۔ لوگاں نوں دسیا کہ وی اللہ دی رحمت بن کے اوندیاں نے، آقا نے اپنی بیٹی نال بڑا پیار کیتا تے بیٹی سیدہ فاطمہ پوچھدیاں نے، ابو جی سارے صحابہ پریشان نے، مینوں علی المرتضیٰ نے بھیجیا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو، جاؤ اپنے ابو کولوں پتہ کر کے آؤ کوئی ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے، کی وجہ ہے؟ تسی تین دن تو کسے نال گل نہیں کر رہا ہے، معاملہ کی ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے، بیٹی ہاں ہے ہی معاملہ پریشانی والا، میرے کول جبریل امین دو دن پہلے تین دن پہلے آئے، انہاں نے جہنم دے طبقیاں دا ذکر کیتا۔ ہائے میرے اللہ، اپنی رحمت نال یا اللہ جننے حاضرین نے رات دا ٹائم ہے، ادھی رات دا، قبولیت دا وقت ہے، اللہ ساڈے جا گناہگار کوئی نہیں، تیرے جا بخشن ہار کوئی نہیں، اللہ ایس وقت تو ساڈے تے راضی ہو جا، ساڈے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ اے تیرے نبی دے امتی بیٹھے نے، اللہ قرآن دے پروانے بیٹھے نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، جبریل نے آ کے مینوں اے گل دسی ہے تے جدوں میری امت دا تذکرہ کیتا ہے کہ تہاڈی امت وی جہنم جائے گی، میں پریشان ہو گیا واں کہ ہووے میری امت تے جاوے جہنم، اے گل پھبدی نہیں، اے گل چنگی نہیں لگی، میرے دل دے اندر بڑی تکلیف پہنچی ہے، میں رو رو کے دعاواں کر رہا ہاں۔ آ تیرے آن تو تھوڑی دیر پہلے میرے کول جبریل امین آئے، مسلمانوں جاگ رہے ہو، گل سن رہے ہو، میرے کول تھوڑی دیر پہلے جبریل آئے تے جبریل نے آ کے مینوں میرے رب دا پیغام دیتا ہے، میرا رب مینوں عرشاں تے ویکھ رہا ہے، میرا نبی امت دی خاطر رو رو کے دعاواں منگ رہا ہے، میرا نبی امت دی خاطر بڑا پریشان ہو گیا ہے۔ جبریل نو اللہ کریم نے عرشاں تو بھیجیا ہے، جا جبریل جا کے پیغام دے میرے نبی نو، انا سنرزی کفی امت کا، اے میرے محبوب پیغمبر انہیں پریشان نہ ہو، وہ اسی تہاڈی امت دے بارے تہانوں راضی کر دیاں گے۔ آخو الحمدللہ، کوئی سائیں خسم کسے دا ہووے تے سنبھالن والا ہووے تے سنبھال ہی لیندا ہے نا۔ اللہ دی قسم، جڑا سانو قائد ملیا، سانو رہنما ملیا،
ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਆ, ਮੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਮਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਬੀ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ। ਇੱਧਰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਕਤ ਥੋੜਾ, ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਰ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਥੋੜੀ, ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਮਿਹਨਤ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਉਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਮਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੁਸਾਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ, ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 50 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਚਾਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਆਪਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ 50 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕੌਮਾਂ ਉਮਤਾਂ ਕਬੂਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਬੂਲ, ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਨਾ, 5 ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ 2 ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਇਆ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਇਰਜੇ ਇਲਾ ਰੱਬਿਕ ਫਸਅਲ ਰੱਬਾ ਕਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਮਤ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗੱਲ ਉਮਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਮਤ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਗਏ, 2 ਦਫਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਗਏ, 3 ਦਫਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਉਹ 50 ਚੋਂ 40 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 40 ਚੋਂ 30 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 30 ਚੋਂ 20 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 20 ਚੋਂ 10 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੇ 10 ਚੋਂ 5 ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਆਵੋ, ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਹੋਰ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਹੌਕਾ ਭਰ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਹਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ, ਕੀ ਸੀ ਜੇ ਫੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 5 ਵੀ ਨਾ ਪੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ 2.5 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਏਡੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਲੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਮਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਮਤ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਆਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ? ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪੜਨਗੇ 5 ਸਵਾਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੁਝ ਜਾਗੇ ਹੋ,
उमतियो हीरियो, अल्लाह की कसम तुहाडे नाल दा दुनिया ते अल्लाह करीम ने मुकाम किसे नूं दिता ही नहीं, पर काम सारे ही साढ़े अवले। पता नहीं की मामला है, जे इज्जत नाल बंदा किसे नूं वजीरे आजम की सीट ते बा देवे ते वह चवला मारन लग पवे ते लोकी आखणगे लैओ ये ते वजीरे आजम बनन दे काबिल ही नहीं सी, इहनूं ते पता ही नहीं, बेअदब जे है, बदतमीज है, ये इंज करदा है, वो करदा है। अल्लाह करीम ने तुहानूं बड़ा स्टेज दिता है, बड़ा मुकाम दिता है, और इस मुकाम नूं इंशाअल्लाह अज मैं मौजू इसे वास्ते बयान किया है कि असी अपने मुकाम नूं पहचानिए, अपने मरतबे नूं पहचानिए। रब्बे काबा दी कसम खा के कहना, मैं मक्के दे अंदर वेखे है, मैं मदीने दे अंदर वेखे है, जिन्ना अल्लाह ने अपने नबी दी उम्मत नूं आला शान ते मरतबे नाल नवाजे है। लोगों इस उम्मत दा किन्ना अजीम मकाम है, इहदे वास्ते इहदियां इबादतां भी अनोखियां, इस उम्मत दियां सखावतां भी अनोखियां, इस उम्मत वास्ते जन्नत दे अंदर दराजात भी अनोखे, इस उम्मत वास्ते हौज़े कौसर है, इस उम्मत वास्ते अर्शे खुदावंदी दा साया है, इस उम्मत वास्ते नबी पाक दी शफात है। उची आखो सुभान अल्लाह। कारी साहब आ गए ने, बलोच साहब आ गए ने, ओ माशाल्लाह मां चन चढ़े पे ने। अल्लाह करीम अपनी रहमत दे नाल उलमा दी हिफाजत फरमाए। ये बेचारे रात इंजी सड़कां दे रोड़दे रुड़दे फिरते ने, कोई आ रहा कोई जा रहा, कोई आता है कोई जाता है, महफिल का रंग वही है, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। वेखो रंग बिरंगे फुल खिले ने, मैं गुजारिश करनी चाहना लो हुण गल मकाइए। मैं अल्लाह की कसम दिल दियां गहराइयां चो तुहाडे वास्ते ये दुआ कर रहा वा, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल अपने नबी दा पक्का सच्चा मजबूत तरीके दे नाल अल्लाह सानू उम्मती बना के रखी। अल्लाह अपनी उम्मत अपने नबी दी उम्मत चो बाहर ना कढ़ी। लोगो मैदाने माशर होएगा, नबी पाक ने मेराज दी रात भी उम्मत दी फिकर कीती, नबी पाक ने गारा विच भी उम्मत दी खातर रो रो के दुआवां मंगियां। कदी मंगदा दुआवां अपने यारां दे विच, कदी रोंदा कल्ला जाके गारां दे विच। कितना एहसास उम्मत दा सी पीर नूं, सारी उम्र एवें रब नूं मनांदा रिहा। अल्लाह अल्लाह नबी मेरे दा हौसला, गालियां सुन के भी मुस्कुरांदा रिहा। ओदे अखलाक तो जावां कुर्बान मैं, वैरियां थले चादरां बछांदा रिहा। रब्बुल आलमीन ने अजीम नबी सानू अता फरमाया, अल्लाह कमल हाकिमीन दा रब्बे कायनात ने सारे नबियां दा जड़ा सरदार बनाया, वो साडा राहबर ते रहनुमा बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, हुण ते भी दूर दे मौलवी आ गए ने, माशाल्लाह। अल्लाह करीम इन्हां दा होना कबूल फरमाए। भाई परवेज साहब फरमांदे सन, सजना ए महफल असां तेरे लई सजाई है, असने कारी यासिन साहब वास्ते महफल सजाई है, ते अज महफल दे माशाल्लाह शेर आ गए। माशाल्लाह, सुनिए नबी पाक अली सलाम ने, मैं एंड ते पहुंच गया। नबी पाक अली सलाम ने जो मैदान माशर दे अंदर लोगों ने कट्ठे होना है, ये यकीन है साडा, यकीन है अल्लाह दी रहमत दे नाल, यौम यकूनु नासो ले रब्बिल आलमीन। लोग रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी बारगाह दे अंदर पेश होणगे। साडा ईमान है मरण तो बाद उठना है, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। असा अपने रब दे सामने, अपने रब दी दरबार बारगाह दे अंदर पेश होना है। ऐ तवज्जो फरमाओ, 1,24,000 नबियां दियां उम्मतां ने भी पेश होना है। गिल्लां वाले वालियो, असां भी सारिआं उत्थे इंशाअल्लाह। उची बोलो, हुण ते उची बोलो, हुण ते तुहाडे मेहमान आ गए ने माशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
लोग परेशान हो के ऐ गल वेखो कैसी प्यारी है, लोग परेशान हो के नबियां दे कोल जाणगे, अपने अपने लीडरां दे कोल जाणगे, अपने अपने रहनुमावां दे कोल जाणगे। अज रब्बुल आलमीन बड़े गुस्से दे अंदर है, अज रब्बुल आलमीन बड़े गुस्से दे अंदर है, बड़े जलाल ते बड़े रोब दे अंदर है। अज असी अल्लाह दा सामना नहीं कर सकते, साडी सिफारिश करो। मैं कुरान दी कसम खा के कह रहा जे, हदीस बुखारी शरीफ दी, नबी कियामत दे दिन सारे नबी जवाब दे देंगे, सारे नबी ना कर देंगे, लस्तो हुनाकुम, अज मैं तुहाडी सिफारिश नहीं कर सकता, अज मैं तुहाडी सिफारिश नहीं कर सकता। आका फरमांदे ने जदों सारे नबी ना कर देंगे ते लोग मेरे वल आउणगे, मैं हां कर देंगा। उची बोलो, ये कोई गेर लाने वाला भी उची बोलो ते गेर तां ही लगता है। सुभान अल्लाह, नबी पाक अली सलाम फरमांदे ने मेरे वल आउणगे ते मैं, तुसी भी हां करो, मेरे वाल आउणगे ते मैं हां कर देंगा, मैं हां कादी करांगा, मैं रब दे दरबार में जा रहा वा, मैं अल्लाह कमल हाकिमीन दी बारगाह दे अंदर जाके तुहाडी सिफारिश करांगा। लोगो जरा तवज्जो फरमाना, उम्मत दी गल कर रहा, नबी दा ते उम्मत दा किन्ना कु ताल्लुक है, कैसा प्यार है। साडे वालों कमी हो रही है, असी नबी दी नाफरमानी कर रहे हां, असी नबी दे हुक्मां दी अदूली कर रहे हां, लेकिन नबी ने किसे मौके ते भी अपनी उम्मत नू भुलाया नहीं, भुलाया नहीं, भुलाया। सुनिए जरा, आका फरमांदे ने मैं जदों हां कर लवांगा ते मैं रब्बुल आलमीन दे अरश दे नीचे मकामे महमूद जेड़ी खास जगाए, मैं ओथे जावांगा ते जांदे ही अल्लाह दी बारगाह सजदे पै जावांगा। सुभान अल्लाह, ओथे 1,24,000 नबियां चो कोई नबी पहुंच सकेगा नहीं? पहुंच सकेगा, सिर्फ साढ़े नबी उथे जाणगे, और सानू उथे उम्मीद हो जाएगी कि काम काम बन गया, हुण काम बन गया, माशाल्लाह काम बन गया, ते साडा भी काम बनेगा इंशाल्लाह। जागो जागो जरा, नबी पाक फरमांदे ने मैं सजदे पै जावांगा, सजदे पै के अल्लाह दी हमदो सना बयान करांगा। लोगो सजदा करया करो, नमाज पढ़िया करो, नमाज दी पाबंदी करया करो, नमाज दे अंदर अल्लाह ने बड़िया नेमतां रखियां ने, बड़ा सुकून रखिया है। नबी पाक ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, नमाज मेरी आंखां दी ठंडक है, नमाज जन्नत दी चाबी है, नमाज मेरे दिल दा सुकून है, नमाज मोमिन दी मिराज है। सजदा करया करो, नबी पाक फरमांदे ने मैं मकामे महमूद ते जदों सजदे पै जावांगा ते लंबा सजदा करांगा, हमदो सुना दे ओ अल्फाज जेड़े कदी भी अल्लाह ने किसे जिन नू फरिश्ते नू किसे नबी वली नू नहीं दसे, स्पेशल अल्लाह दी हमदो सुना दे लफज अल्लाह मेनू अता करेगा। ये भी खसूसियत है साडे नबी दी, ये भी साडे नबी दी खसूसियत है। अल्लाह ने अल्फाज कलेमात अपनी तारीफ दे और किसे नू नहीं दसे, अल्लाह करीम ने अपने नबी नू दसे ने। नबी पाक उन्हां कलेमात दे नाल अल्लाह दी तारीफ कर रहा है, और लोगो सुन लो, इत्थे दुनिया दे रह के भी जो मंगना है किदे कोलो मंगना है, ते मदाने माशरे च भी जाके नबी पाक किदे कोलो मंग रहे ने, अल्लाह कोलो मंग रहे ने। आ गल सुनिए, मैं पढ़ना उन्ना शौक नाल कहना, मुहब्बत नाल कहना, ते ईमान ताजा हो जांदा है। जजा देने वाला सजा देने वाला, वो सारे दुखों की दवा देने वाला, कोई सिद्ध के दिल से मुआफी तो मांगे, वो रहमत के दरिया बहा देने वाला। यूसुफ को भाइयों ने जंगल में फेंका, वो तख्ते मिसर पर बिठा देने वाला, मूसा को अम्मी ने दरिया में बहाया,
वो शाही महल में पहुंचा देने वाला। और तवज्जो फरमाओ, तवज्जो फरमाओ, अय्यूब ने बीमारी में उसी को पुकारा, अय्यूब ने बीमारी में उसी को पुकारा, वो अपने नबी को शिफा देने वाला। एक कौन है सारे काम करने वाला? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। असी कब्रां ते मथे नहीं टेकते, शिरक नहीं करते, असी अल्लाह की तौहीद ते। नबी पाक फरमाते ने जदों मैं लंबा सजदा करांगा सजदे दे अंदर, जदों मैं लंबा सजदा करांगा आवाज आएगी, सुनिए जरा सुनिए, तवज्जो मेरी तरफ फरमा लेना, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह करीम प्यार ते मोहब्बत नाल मैनू की कहणगे, सजदे तो सर चुक लै सोना। नहीं बोलना ते ना सही, एडी भी गल कोई नहीं, धक्के नाल नहीं तुहानू सुनाना, जागो जरा जागो, होश करो, अल्लाह की कसम मैं तुहानू ऐसे मुकाम ते वेखना चाहना वा जिथे चौदवी रात दे चाननों तुहाडे चेहरे बहुते चमक रहे होण। इंशाअल्लाह जावांगे अल्लाह दी रहमत दे नाल। रब ने करम दी छां करनी है, सोहणे ने जदों हां करनी है, सजदे तो सर चुक लै सोना, सजदे तो सर। गल मैदाने माशर दी कर रहा वा, उथे भी गल उम्मत दा तज़करे उम्मत दे ही होणगे, सजदे तो सर चुक लै सोना, सजदे तो सर चुक लै मिठड़ा, असां कदों तेनू ना करनी है, असां कदों तेनू ना करनी है। रब ने करम दी, आखो इंशाल्लाह, रब ने करम दी, उच्ची आवाज नाल कह दियो, ओ पहले समान ते जाए तुहाडी आवाज, रब ने करम दी छां करनी है, सोहणे ने जदों हां करनी है। गल प्यार ते मुहब्बत दे नाल सुन वाली, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, मैं अपना सर सजदे तो उठावांगा, आवाज आएगी, मेरे नबी मंग लो जो मंगना है, अज मैं तुहानू राजी करना है। वाला सौफा योती का रब्बो का फतरजो, ऐ मेरे महबूब पैगंबर, मैं इन्ना तुहानू देंगा, इन्ना देंगा, तुसी राजी हो जाओगे। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, हुण मैं मंगांगा ते की मंगांगा, सजदे तो सर उठावांगा, गिल्लां वाले वालियो, मेरी सारी तकरीर दा निचोड़ तुहाडे सामने मैं पेश करना चाहना। गल ध्यान नाल सुन वाली जे, अल्लाह दे नबी उथे कहणगे की मंगणगे, बख्श दे उम्मत सारी मेरी, बख्श दे उम्मत सारी मेरी, बख्श दे उम्मत सारी मेरी। हदीस दे अंदर अल्फाज जड़े आंदे ने, मैं वो भी पढ़ दिया, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, मैं बार बार कही जावांगा, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, या अल्लाह आज मेरी उम्मत, या अल्लाह आज मेरी उम्मत जहन्नम ना जाए, मेरी उम्मत जन्नत जानी चाहिदी है, उम्मती उम्मती। सारे नबी नफसी नफसी कह रहे होंगे, लेकिन आमिना दे लाल दुर्रे यतीम रहमतुल आलमीन, जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे उम्मती कह रहे होंगे, बख्श दे उम्मत सारी मेरी, अगली गल मैं ता करनी है, अगली गल मैं ता करनी है, रब ने करम दी छां करनी है, सोहणे ने जदों हां करनी है। अगली गल जरा सुनो, ऐलान की होएगा, नबी पाक फरमानगे, अल्लाह जी मेरी पहली गल भी ए ते आखरी भी ए, मेरा मुतालबा होर है ही कोई नहीं, बस मैं अपनी उम्मत नू जन्नत विच ले जाना चाहना वा। रब्बे कायनात दी तरफों ऐलान होएगा, खुल गया जन्नत दे दरवाजे, अज नहीं, अज गल नहीं, यकीन करो मैं नहीं जी अज खुश,
ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਖੈਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਕੀ, ਆਪ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਕੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੀਏ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਈਮਾਨ, ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 100% ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ ਗਏ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖੁੱਲ ਗਏ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਨੀ ਏ, ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਏ। ਆਹ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫਰਮਾਏ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੌਫੀਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ, ਦੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਡੋਬ ਡੋਬ ਕੇ ਡੁਬਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਫਰਮਾ। ਹੁਣ ਆਮੀਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਮੀਨ ਨਿਕਲੀ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਆਏ ਹੈ ਮਹਿਫਲ ਮੇ ਮੇਰੀ, ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਹੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਤਮੀ ਐਲਾਨ ਆਖਰੀ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਦਾ, ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੈਸਾ ਐਲਾਨ ਆਖਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ, ਐ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੋਈ ਪੜੀ ਸੀ, ਮਨ ਅਤਾਨੀ ਫਕਦ ਦਖਲ ਅਲ ਜੰਨਾ ਵਾ ਮਨ ਅਸਾਨੀ ਫਕਦ ਅਬਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ, ਜੰਨਤ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨੀ ਏ। ਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਬਲਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਸਜਿਦੇ ਨਬੀ 'ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਟ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮਸ਼ਕ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੂਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਤਾਬਤ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਤੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜ਼ਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਇੰਜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਤ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਲਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਹਜਰ ਵੀ ਸ਼ਜਰ ਵੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ੇਖ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤੀਬ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਖਿਤਾਬਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਫੜ ਲਓ ਫੜ ਲਓ, ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ ਖੁਦਦਾਰ ਕਾ ਮਗਰ ਝੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਤਕਦੀਰੀ ਫਸ ਗਏ, ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله